तो मैं पूरा श्रेय जो है अपने जिला परिषद मेंबर्स को देता हूँ, उन्होंने विश्वास दिलाया, जिताया, और जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं वो सारे ही ये पहले से प्लानिंग करके बैठे थे कि हमारी जो है इस चीज़ में जीत होगी। क्योंकि जब हमारा ये इलेक्शन था, इस ये हमने कदम उठाया था कि हमें वाइस चेयरमैन को भी हटाना है, क्योंकि वाइस चेयरमैन जो हमारा था वो तो हमारे पार्टी से बाहर था। और दूसरी बात ये है कि उसने कभी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो हमारे जिला परिषद मेंबर के हक में होना चाहिए। तो ये डिसीजन जो है वो सभी जिला परिषद मेंबर की रजामंदी से था। आज भी आपने देखा होगा, हमें पूरी उम्मीद थी, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि 35 से प्लस ही जाएंगे और वो हमारी कामयाबी जो है होगी। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिला परिषद मेंबर का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत पोछे हथकंडे जो है अपनाए हैं इस इलेक्शन में, मुझे वो चीज़ जो है हमें अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आपने देखा होगा इस इलेक्शन में हमारा कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जो है इस इलेक्शन में नहीं आया, और हमने उनको ये कष्ट दिया ही नहीं कि उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन उसके बावजूद उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर था, उन्होंने पीछे से हमें जो सहयोग दिया, लेकिन वो ऐसी जो इन्होंने काम किया उन्होंने नहीं किया। मियां जी, क्या कारण रहा कि भाजपा के लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया और आप चुनाव जीते? भाजपा के लोगों ने जो सपोर्ट किया, मैं तो समझता हूँ कि वो जो विश्वास है उनका मेरे प्रति, तो मैं उस विश्वास को जो आगे भी कायम रखूँगा। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास मेरे ऊपर जो जताया है, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा और हमेशा जो है सबको साथ लेके जो है चलूँगा। कांग्रेस पार्टी में भी किसी लीडर ने कोई अपने जिला परिषद को संगठित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं? जी, जिला परिषद ऐसा है ना, अभी तो हमारी सरकार नहीं है, और जो हमारे जितने भी नेता हैं वो बार बार हमें हमेशा फ़ोन पे ये पूछते रहे हैं और बताते रहे हैं कि अगर कोई आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने मुझे इतना अपने ऊपर, हमारे जिला परिषद मेंबर के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमें उनका जो प्यार था मिल रहा था, और उसकी वजह से आज हम जो है